कशिश, दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। तुमने पार्टी की क्या अरेंजमेंट की है, फैंटास्टिक। कभी कभी जो चीजें चमकती हैं वो आंखों को खटकती भी हैं। आप जानते हैं मिस आलूवालिया, यहां इतनी रोशनी होने के बावजूद एक डर सा लग रहा है मुझे। डर क्यों? क्योंकि इन उजालों से भी अंधेरे झांक रहे हैं। अंदर कितनी रोशनी है और बाहर कितना अंधेरा। तुम्हारा ये डर रोशनी से नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी की उस कमी से है जिसका नाम है सूजन। आकर्षिश, तुम सूजन से डरती हो, अपने पर्सनल लाइफ में भी और अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे भी। कुछ डर तो जिंदगी देती है और कुछ डर अपने होते हैं। मिस आलूवालिया, वो मेहमानों के आने का वक्त हो गया, मैं जाकर सारी तैयारियां देखती हूँ। ए कशिश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जब दिल और दुनिया तुम्हारे सामने हो तो सिर्फ अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल दिल की अपनी एक दुनिया होती है और सारी दुनिया में एक वही दिल हमारा होता है जिससे हम मोहब्बत करते हैं। ये आप कह रहे हैं मिस्टर आलूवालिया, आप सूजल के राइवल हैं और सूजल आपका दुश्मन। एक तरफ तो आप सूजल को बर्बाद करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने दिल की बात सुनूं, ये जानते हुए भी कि अगर मैंने अपने दिल की बात सुनी तो मैं सूजल के पास वापस चली जाऊंगी। मेरे दिल का रिश्ता आपकी दुश्मनी का रास्ता है मिस आलूवालिया। मैंने तुमसे कहा ना, अपने दिल की सुनो, लेकिन अपने दिल पर इतना भरोसा भी मत करो। एक दिल 100 अफसाने, आधी हकीकत आधे अफसाने। दिल को अपनी राह चलने दो, जिंदगी को अपनी राह मिली जाएगी। और हाँ, हो सकता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड का राइवल हूं, सॉरी मेरा मतलब है एक्स हस्बैंड। वैसे कशिश, जिंदगी में हमने भी कभी मोहब्बत की थी, इसलिए हम अब हमेशा चाहते हैं कि जीत मोहब्बत की ही हो। इंसान से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन मोहब्बत से दुश्मनी नहीं, नेवर। Welcome, welcome, welcome. Hello, Mr. and Mrs. Krishna. How are you? Fine, sir. आइए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। Please come, come. Excuse me. ओहो, धरेवाल फैमिली, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आपके पूरे परिवार को यहां देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज स्टेज के आसपास ही रहिएगा, ताकि जो कुछ भी होगा उसे गौर से देख और सुन सके। अभिनय ऋषि, इसका भी वक्त आएगा। प्लीज
मिस्टर सुजल गायवा, वेलकम। What a pleasant surprise. अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ आए। Why don't you make yourself comfortable, please? सोच लीजिए मिस्टर अहलूवालिया, अगर मैं कंफर्टेबल हुआ तो आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। अरे जब मेहमान कंफर्टेबल होता है तो मैं जुबान खुद ब खुद कंफर्टेबल हो जाता है। प्लीज एंजॉय सर। रमन, शिवांगी नजर नहीं आ रही यार। नहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी? घर की पार्टी है, घरवाली तो होगी। तू काम कर, तू आधे में आ देखता हूँ। हाँ, ऑलराइट, चल। वासु, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कहाँ थी तुम इतने दिनों से? क्लब की गैदरिंग में भी नजर नहीं आई। मैं थोड़े दिन के लिए यूरोपियन टूर पर। यू नो व्हाट वासु, क्लब की इलेक्शन बहुत ही नजदीक आ रहे हैं और तुम तो जानती हो कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। हाँ, बेशक, क्यों नहीं। हर एरे गेरे को अपनी किस्मत आजमाने का पूरा हक होता है। आफ्टर ऑल ऐसे ही मौके बताते हैं कि हमारी किस्मत हमारा साथ दे रही है या नहीं। एग्जैक्टली वासु, इसलिए तो तुम भी आ रही हो ना वहां पर। तुम्हारी भी किस्मत की आजमाइश हो जाएगी। और कहते हैं किस्मत किसी की सगी नहीं होती। अब देखो ना, तुम लोग जिस तरह से अपना घर और बिजनेस हार रहे हो, मुझे डर है वसु कि कहीं तुम जल्दी अपनी चेयरमैनशिप ना हार जाओ। एक्सक्यूज मी, यू आर एक्सक्यूज डार्लिंग। मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। हाँ बोलो उसमें। अरे मैं क्या बोलूँ, जो लोग जो कुछ कहना चाहते थे बहुत कुछ कहकर चले गए हैं। तुम और तुम्हारे परिवार की वजह से मुझे इतनी बातें सुननी पड़ी हैं, अपमान पर अपमान सहना पड़ा है। तुम्हारे परिवार ने हमारी जिंदगी को एक महाभारत बनाकर रख दिया है, सब कुछ दांव पर लेकर रख दिया है, और अब तो सुजल को भी दांव पर रखने के लिए कुछ मिल गया। शट अप वसुंधरा, कैसी बात कर रहे हो तुम? पार्टी चल रही है। I'm sorry सुजल, मैंने तुम्हें तो समझा दिया था, लेकिन अपनी तरफ से मैं मिस्टर आलूवालिया को और कार्तिक को समझाने की कोशिश नहीं कर पाई। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, बहुत कुछ हो जाता है लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि तुम वही करती हो जो तुम्हें सही लगता है, फिर चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। तुम्हारी जिद के आगे दुनिया में रखा ही क्या है। शिवांगी, रोक लो इन कदमों को, बिकॉज आई प्रॉमिस यू, कुछ ही पलों में तुम्हारे चेहरे की हंसी गम में बदल जाएगी, वो पराया गम जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। गायत्री, क्या हुआ तुझे? इतनी अच्छी पार्टी चल रही है और तू ऐसे मुंह सुजा के क्यों खड़ी हुई है? क्या बात है,
कुछ नहीं बस ऐसे ही थोड़ा। ओ, जिसका आप कब से इंतजार कर रहे थे वो तो आ गए। देख वहां ऋषि खड़ा है। हाँ, चल जाके उसे मिल के आते। अरे नहीं वो। अरे चल ना। हाय बीबी। तुम जो कोई भी हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने कहा इतना शौक है तो जाके किसी रेल की पटरी पर लेट जाओ, पूरी की पूरी ट्रेन तुम पे चढ़ जाएगी। कम से कम किसी और पे तो इल्जाम नहीं लगेगा। सॉरी। हाय गायत्री। हाय शिवानी। गायत्री ये है मेरे बिग बी सुजल धरेवाल। बिग बी ये है गायत्री शिवानी की बहन, अभी अभी अब्रॉड से स्टडी कंप्लीट कर रही है। हाय। हाय। मैं भी आता हूँ। हाय। तो मैं से। So? So, मिस्टर सुजल, आज का जो टेक ओवर होगा उसे जरा गौर से देख लेना, क्योंकि ये हिस्ट्री तुम्हारे साथ रिपीट होने वाली है। तूफान आने से पहले हवाओं का रुख नहीं नापते, बिजनेस के दांव पे जानते हो तुम क्या करते। एक मिनट में किसी की भी किस्मत बदल जाती है, और मेरे पास तो अभी दो दिन बचे। जैसे कशिश के ना मिलने पर तुम्हारी दुनिया बदल गई। प्यार में एक मिनट नहीं एक बार ही बहुत होता है, और मेरे पास तो अभी पूरी जिंदगी बाकी है। तुम अपने बारे में सोचो, जिसके ना तो प्यार का ठिकाना है और ना ही बिजनेस का। जब लोग हारते हैं तो अपने आप को दिलासा देने के लिए कुछ ऐसी बातें करते हैं सुजल। तुम अभी से ऐसी बातें करनी शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। बोल चुके हैं, अब देखो मैं क्या करता हूं, क्योंकि अब मेरी बारी है। बीबी क्या बोल रहा है? लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का दिन भी हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा दिन है। आज हम गुजराल की कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं। ये हमारी कंपनी की 15th सब्सिडियरी है, और वो भी एक साल में दूसरा टेक ओवर। इसके अलावा एक और गुड न्यूज है, हम बहुत जल्द एक और कंपनी को टेक ओवर करेंगे, और वो हमारी 16th सब्सिडियरी होगी। और उससे भी बड़ी गुड न्यूज ये है कि उस कंपनी का मालिक यहां पर मौजूद है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम ऑन द स्टेज, ताकि वो आपके सामने दो शब्द कह सके, हमारी खुशियों को दुगना कर सके। He is none other than Mr. Sujal Garewal. हेलो एवरीबॉडी, अभी अभी कार्तिक ने आपसे बहुत सारी बातें की, लेकिन वो आप लोगों को ये बताना भूल गया कि ये पार्टी सिर्फ गुजराल्स को टेक ओवर करने की खुशी में नहीं है, बल्कि गरेवाल्स के दो नए ब्रांड वेक्टर और एलिगेंस के लिए भी। जी हाँ, मैंने हाल ही में यूके बेस्ड कंपनी मैक्जिल्स एंड डिस्टिलरीज के साथ एक डील साइन की।
एक और गुड न्यूज है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ और जिसके साथ इस पार्टी की खुशी को दोगुना करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले मैंने मिस्टर आलूवालिया से एक लोन लिया, आज मैं उनका लोन चुका रहा हूं। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।